नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बुधवार सुबह खुदकुशी कर ली। सोर्सेज ने बताया कि नितिन पर करीब 250 करोड़ रुपए का कर्ज था। उनकी कंपनी एनडी स्टूडियो काफ़ी कर्जे में थी। नितिन ने कंपनी से 180 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। ब्याज मिलाकर कर्ज की रकम 250 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी ने वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए थे। कंपनी ने वहां के जिलाधिकारी को भी स्टूडियो जब्त करने का प्रस्ताव दिया था। एनडी स्टूडियो के सील होने की भी आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ नितिन के फ़ोन से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें चार लोगों का जिक्र है। नितिन की कंपनी एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने ईसीएल कंपनी के जरिए 185 करोड़ का लोन दो बार में लिया था। पहला 2016 में, जबकि 2018 में दूसरा लोन लिया था। 2020 में जब लोन चुकाने की बात आई तो सारी समस्या शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि सुबह तकरीबन 9 बजे नितिन देसाई का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था। घटना के तुरंत बाद डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से इस केस की जांच कर रहे हैं। पुलिस को नितिन के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें चार लोगों का जिक्र है। पुलिस को शक है कि इन्हीं के दबाव से नितिन देसाई ने सुसाइड की। जल्द ही उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।